भक्तगण आज माँ की सेवा के लिए आए हैं। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से जय माता की। एक बार सारे मिलकर के कह दो जय जय माँ की। बोली सच्चे दरबारी के। जब भी हिंदू धर्म में जयकार लगाते हैं तो दोनों हाथों को उठा करके लगाते हैं, जिसे महामाई के दरबार में हम सभी भक्तों की हाजिरी लग जाती है। तो जितनी भी संगत यहाँ विराजमान है, एक बार जरा दोनों हाथों को खोलिए, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके, क्या बात है भाई, क्या बात है। और मिलकर के सारे जय घोष करेंगे मां के दरबार में। बोलिए सच्चे दरबार की। जयकारे में दम नहीं, और हम किसी से भाई थोड़ी सी बुलंद आवाज में बोलेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। सारे मिलकर के जयकारा शिरवलिदा। बोल सच्चे दरबार की, क्या बात है भाई, क्या बात है। आइएगा सर्वप्रथम माँ सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आई हैं पहाड़ों से चल करके। और इतना सुंदर सा दरबार माँ शेरावाली का लगा है। सर्वप्रथम माँ के श्री चरणों में हम आज बैठ करके सेवा कर रहे हैं। आइए माँ से कहना है, माँ दरबार में जो भी आता है वो कभी यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। और आज हम सबको इस माँ की सेवा करने का मौका मिला है। अच्छा ये बताओ कितने भक्त खुश हैं आज माता रानी आई है, क्या बात है। झंडा ऊंचा देश हमारा नहीं, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा, क्या बात है। आइए सारे मिलकर के आज माँ की सेवा करेंगे और कहना इस माँ से की माँ से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। देखो अगर आज आपको माँ की सेवा करने का मौका मिला है तो मिलकर के सारे सेवा करेंगे। और कहते हैं जिसने की कहते हैं ना जिसने की शर्म उसके फूटे, तो ये शर्म का दरबार नहीं है, धर्म का दरबार है। और हम सारे आज क्या कर रहे हैं, इस माँ की सेवा। कौन कौन करने आया है सेवा, सारे आए ना, हाथ नीचे करके सारे लोग मेरे साथ गाएंगे। लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। बोलो लगन, इतना सुरीला तो आप लोग गा रहे, एक लाइन और गाने।
तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। अच्छा बताओ कितने भक्त इस माँ को अपना बना करके बैठे हैं, जितने पूरे पूरे हाथों को खोल करके और मस्ती में झूमते हुए, रेडी 1 2 3 4। जब माँ के दरबार में सेवादार बैठते हैं तो ताली सेवा जरूर करते हैं, ताली सेवा करके लगन मैया लगन मैया लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना बना बैठे। बोलिए सच्चे दरबार की। भैया ट्रेवल दे देना यार, ट्रेवल ट्रेवल थोड़ी। अरे पीछे वालों तुम भी कुछ करके खा लो, जरा एक बार सारे मिलके कह दो। बोलिए सच्चे दरबार की। भजन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है मैं क्या गा रही हूँ? अच्छा सबको आ रहा है ना समझ में, तो सारे मिल करके मेरे साथ, तुम्हें अपना तुम्हें अपना तुम्हें अपना अपना बैठे जो होगा देखा जाएगा। आइए कहते हैं कि तमन्ना लाख बनती है, तमन्ना लाख बनती है और बनकर टूट जाती है, कि तमन्ना लाख बनती है और बनकर टूट जाती है, और वही दरबार पे आता है जिन्हें ये मैया। तो आपको बताएं आज आप अपनी मर्जी से नहीं इस माँ के बुलावे पर आए हैं, क्योंकि इसकी कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, और हम कितने किस्मत वाले हैं जो इस माँ की सेवा कर रहे हैं, है ना। आइए मेरे साथ इस लाइन को गाइएगा। बिगड़ी बनाने वाली कष्ट मिटाने वाली दुनिया में जगदम्बिया, अपना बनाने वाली भाग्य बनाने वाली बस एक जगदम्बिया, ओ मां बिगड़ी बनाने वाली कष्ट मिटाने वाली दुनिया में जगदम्बिया, अपना बनाने वाली भाग्य बनाने वाली बस एक जगदम्बिया। आज देख रहा है देख देख रहा है अम्बी रानी का, आज देख रहा है आज देख रहा है आज देख रहा है, होगी ममता की बरसात होगी ममता की बरसात मैया के जगराते में, और जागेंगे सारी रात मैया की जगराते। कहते हैं जो सोएगा वही खोएगा और जो जागेगा वही पाएगा। तो हम सारे आज क्या कर रहे हैं इस माँ की सेवा कर रहे हो ना। अरे बातें करने वालों जरा यहाँ भी ध्यान लगा लो, जब चार मिली नहीं की बातें स्टार्ट,
देखो बातें करने के लिए तो पूरी रात पड़ी है, सुबह भी कर लोगे, लेकिन ये माँ बार बार नहीं आएंगी, आ जाई है तो खुशी मना लो, इसे माँ की सेवा करके अपना जीवन धन्य कर लो। क्या पता किसके हाथों पर इसे माँ की नजर पड़ जाए, किसके माथे पर इसे माँ की नजर पड़ जाए और आपके वारे न्यारे हो जाए। बोली दुर्गे मैया की और पीछे वाले भक्तों की। ये ऐसे बैठे हैं पता नहीं कैसे बैठे हैं। एक बार जो पीछे जो खड़े और बैठे हैं ना भाई लोग कुर्सी पर, आप सारे मिलकर के जयकार लगा दो। बोली दुर्गे क्या बात है, थोड़ा हल्के बोलो वरना पीछे और पीछे हो जाएंगे। आइए सारे लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देख जाए, लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देख जाए। सुनिएगा अभी ये हाल क्या, दुनिया हमें बदनाम कर देगी, अभी ये हाल का मेरा बदनाम कर देगी। ये कलयुग का सत्य है, जिसकी जेब में पैसा उसी से पूछते हैं कि भाई तू कैसा, और जिसकी जेब में पैसा नहीं होता है ना उसकी रिश्तेदारियां तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। कहते हैं ना जिसका बड़ा बड़ा मकान बना होता है ना उसके साथ सारी रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, और झोपड़ी वालों के साथ कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। और ये बात भी सच है कि अगर किसी का बड़ा मकान बना है, अच्छा रह रहा है वो, अच्छी लाइफ स्टाइल है उसकी, तो उसके अपने ही उससे जलने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि उसने कहाँ से कहाँ तक मेहनत की और उसने इतना बड़ा मकान बनाया, वो ये नहीं सोचते, वो ये देखते हैं कि भाई इसका इतना बड़ा मकान है हमारा क्यों नहीं है। इसीलिए तो कहा है अभी ये हाल क्या दुनिया हमें बदनाम कर देगी, अभी ये हाल का मेरा ये बदनाम कर दे, अभी ये हाल क्या दुनिया हमें बदनाम कर देगी, अभी ये हाल का दुनिया हमें बदनाम कर दे। और मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि ये दुनिया वाले कभी किसी के सगे नहीं होते, कड़वी है लेकिन सत्य है, ये दुनिया वाले कभी किसी के सगे नहीं होते। इसीलिए शर्म हम जो शर्म हम बीच का बैठे जो होगा देख जाएगा, शर्म हम बीच का बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। लगन मैया लगन मैया लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बोलिए अगर भजन इतना सा भी अच्छा लगा हो तो जोरदार तालियां हमारे सभी इंस्ट्रूमेंट के कलाकारों के लिए। इसी के साथ जोरदार तालियां जो हमारे साउंड पर भैया बैठे हैं, सॉरी मुझे नाम नहीं पता है, अवनीश भैया जी के लिए जोरदार तालियां भाई। देखिए अगर आपको किसी की कला थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, चाहे वो सिंगर हैं, झांकी वाले हैं,
या कोई भी कलाकार है, अगर आपको किसी की कला थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आशीर्वाद स्वरूप तालियां जरूर बजाया कीजिए, इसे अप्रिशिएट होते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। बोली दुर्गी मैया की। और ये 200 रुपए की पावन अरदास माँ भगवती के श्री चरणों में माँ के भक्त प्रमोद साहू, कमलकांत शर्मा जी, शर्मा जी के मित्र, अच्छा प्रमोद साहू कमलकांत शर्मा जी के मित्र जी की ओर से ये 200 रुपए की मुद्रा माँ भगवती के श्री चरणों में आई है। जिस भी भाव से ये अरदास माँ के सेवादारों ने कराई है, माता रानी इनके सभी अंग संग रहे, इनके सारे भंडारों को भरें। और किसी भक्त को अगर अरदास करानी है तो वो बारी बारी से आकर के अपना नाम नोट करवा सकते हैं। आएगा वो 200 रुपए की अरदास, 200 रुपए की अरदास, 200 रुपए की अरदास, तेरे भक्त की अरदास ये कर रही है अरदास, सच्चे भावना के साथ, सच्चे भावना के साथ ये पूरी करना आज, पूरी करना आज, 200 रुपए की अरदास मैया पूरी करिए आज, प्रमोद की अरदास ये मैं पूरी करिए आज, मैया पूरी करना आज, मैया पूरा करना आज, वरदानी दे मातु वरदान दे, हां वरदान दे मातु वरदान दे, वरदानी दे मातु वरदान दे, वरदान दे तू मां वरदान दे, तेरे बच्चे की अरदास, तेरे बच्चे की अरदास, तेरे लाल की अरदास, तेरे लाल की अरदास, सच्ची भावना के साथ, सच्ची भावना के साथ ये कराई है अरदास, ये कराई है अरदास, मैया पूरी करना, मैया पूरी करना, मैया पूरी करना, मैया पूरी करना, वरदान दे मातु वरदान दे, वरदान दे मातु वरदान दे, सच्ची दरबार की जय रे रे। और कोई भक्त अगर अरदास कराना चाहते हैं तो वो फटाफट से आके नाम नोट करा दे, किसी भी भक्त को 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख, 10,000 की अरदास करानी हो। बोलिए दुर्गे मैया की। नहीं, आपका जितना भी बजट है मैं सब दे दूं। बोलिए दुर्गे मैया की। प्यारे प्यारे भक्तों की और ना बोलने वालों की क्या बात है, उनकी भी जयकार होनी चाहिए। हेलो भैया, हाँ जी, कुछ कुछ चेंज मत करना, ठीक है, माइक में, ठीक है, बढ़िया। आइए, जिन लोगों को अरदास करानी है या कोई फरमाइश है, कोई भजन सुनना चाहते हैं तो वो आकर के मुझे बता सकते हैं। आइए, पहले से दरबारी बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गे मैया की, माँ के प्यारे प्यारे भक्तों की और पीछे वाले भक्तों की, आगे वाले भक्तों की क्या बात है, बड़े समझदार भक्त बैठे हैं, अपने जयघोष अपने आप ही कर रहे हैं, नहीं होना भी चाहिए, इसे माँ की सेवा कर रहे हैं तो लगना भी तो चाहिए ना कि माँ के भक्त बैठे हैं। अब सारे मिलकर के कह दो जय जय श्री राधे। अरे भाई, अगर टेढ़े मेढ़े हाथ उठाओगे तो टेढ़े मेढ़े तरीके से दे करके जाएंगे, सीधे सीधे हाथ उठाते हैं। कहते हैं ना कि अगर गांव में एंटीना सीधा होता है ना तभी डिश अच्छी आती है, है ना, अगर जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा होता है तो गई। तो सारी मिल करके जय करा शिरवालिदा बोल सच्चे दरबारी की। क्या बात है भाई, क्या बात है। और ये 51 रुपए की अरदास नगलावाद लक्की और सूरज जी की ओर से माँ भगवती के श्री चरणों में आई है। जिस भी भाव से ये अरदास कराई है, माता रानी इनके अंग संग रहे। और ये 100 रुपए की पावन अरदास अमन सोलंकी भापड़ की ओर से माँ भगवती के श्री चरणों में। प्रियंका किशन नगलावास से ये 50 रुपए की मुद्रा माँ भगवती के श्री चरणों में आई है। जिस भी भाव से अरदास कराई है, माता रानी इनके अंग रहे, इनके सारे भंडारों को भरे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्या करें।
बोलिए दुर्गी मैया की, आइएगा। और ये भक्ति से माँ से कह रहे हैं क्या, तेरा है बड़ा जलवा तेरा है, पर्वत पे तेरा है बड़ा जलवा तेरा है, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले। अच्छा ये बताओ कितने भक्त ऐसे हैं जो लाल बन करके आए हैं इस माँ के, जो लाल बन करके आए एक बार हाथ उठाओ। अच्छा जो जो भाई लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं वो नीले पीले काले हैं, नहीं काली तो मैं भी, जो भक्त बनकर आए वो हाथ उठाएं। क्या बात है भाई, क्या बात है। अब सारे मेरे साथ एक बार कहना, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे। देखो इतना प्यारा प्यारा गा रहे हो, बस एक चीज की कमी है, थोड़ा हल्के गा रहे हो। क्या व्रत है आप लोगों का, सबका व्रत है? अच्छा बेटा आपका करवा चौथ का होगा। हाँ जी बोली सच्चे दरबार की, सारी बोलो, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे। आइए बिल्कुल लाल लाल जो बन करके आए हैं पूरे पूरे हाथ तुम्हें खोल करके, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, जलवा तेरा है, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले। बालक तुम्हारे माँ हमें प्यार दो, ओ हम तो बालक तुम्हारे हमें प्यार दो, हम तो बालक तुम्हारे हमें प्यार दो, तेरे ही सहारे माँ संसार में तेरे ही सहारे माँ संसार में, जब जब ठोकर खाते हैं तो तेरे ही दर्राते हैं, जब जब ठोकर खाते हैं तो तेरे ही दर्राते हैं। अब कह दो सच्चे दरबार, बोली दुर्गी मैया की। देखिए यहाँ से तो जितनी भी माताएं बहनें सब लोग जयकार लगा रही हैं, पीछे वालों को शर्म आ रही है। यहाँ जो हमारे भाई लोग बैठे हैं, एक बार मैं चाहूंगी जितनी भी मेरी जो माताएं बहन है वो जयकार ना लगाएं, पहले भाई लोगों का देखते हैं, है ना, बुलंद आवाज में लगाना है और जयकार इतनी जोर से होनी चाहिए कि मेरी माँ की कानों तक आपकी अर्जी लग जाए। सारे तैयार हैं? तैयार हो? ये भाई साहब बहुत बोल रहे हैं, यह ठंडी किसकी है, बड़ी खनक रही है। अब सारे लोग, सारे जितने भी भाई लोग हैं, बोलिए दुर्गे एक मिनट, क्या मेरी नाक कटवानी है? वैसी बात छोटी है। मैंने कहा सारे भाई लोग, आप सारे भाई हो, अभी आपकी बारी, आपकी भी आएगी, आपकी भी आएगी, पहले भाई लोगों की बारी है। सारे देखो, अब कोई भी बहन नहीं बोलेगी, पहले सारे भाई लोग, बहुत सारे हैं, सारे बोलना, बोली दुर्गी मैया की। थोड़ा हल्के बोलो वरना स्पीकर फट जाएगा।
अब मेरी सारी माताएं बहनें बोलेंगी, अब भाई लोगों को नहीं बोलना है, सारे बोलेंगे, सारे जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं। बोल दुर्गे मैया की। भाई आप लोगों ने तो इनको भी पीछे छोड़ दिया, थोड़ा जोर से और बोलोगे कहीं और खिसक जाएंगे ये लोग। आइए मेरे सारे सारे मिलकर के मेरे साथ बोलेंगे, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले। अरिवत पिंडीरा है बड़ जलवा तेरा है, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, हम तेरे लाल हैं माँ लगा लो गले, माँ लगा लो गले, माँ लगा लो गले, माँ लगा लो गले, माँ लगा लो गले। भगवान की सच्चे दरबारी की, और ये 100 रुपए की मुद्रा माँ भगवती के श्री चरणों में केशव उपाध्याय जी नगला तरऊ की ओर से। तरऊ जी अगर नाम गलत हो जाए तो भैया दोबारा पैसे देके भी ठीक हो सकता है। और ये 10 रुपए की मुद्रा भूप सिंह मास्टर जी। अच्छा ये बताओ ये दरबार सुंदर लग रहा है, किस किस को सुंदर लग रहा है, ईमानदारी से हाथ उठाना। जिनको सुंदर लग रहा है सभी को अच्छा लग रहा है ना, सबको खुशी है ना आज की जगराते की, सभी को है ना। आइए मेरे साथ इस भजन को गाना, और मुझे पता है ये भजन सबको आता होगा। पप्पू के नाती अनिकेत जी की ओर से ये 20 रुपए की मुद्रा माँ भगवती के श्री चरणों में आई है, और जिस भी भाव से इस बच्चे ने अरदास माँ भगवती के चरणों में कराई है। बोली सच्चे दरबारी की दुर्गी मैया की। अच्छा ये सुंदर लग रहा है दरबार, अच्छा लग रहा है, लॉक कर दिया जाए, सबको अच्छा लग रहा है। आइए मेरे साथ कहना, ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। देखो ये एक ऐसा भजन है जो सभी को आता होगा, सबको आता है ना। हाँ जी तो सारे मेरे साथ गाना, जिनको वाकई में अच्छी लग रही है माता रानी कितनी सुंदर सी सज धज कर हम सभी को दर्शन देने आई हैं, तो मेरे साथ सारे गाएं। ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। ये प्यारा है, ये बिल्कुल बेकार है, थोड़ी सी बुलंद आवाज में। ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की तेरे भक्तों की, तेरे भक्तों की लगी है कटार भवानी। देखो भाई जिसने की शर्म उसके फूटे करम, तो शर्म का दरबार तो बिल्कुल भी नहीं है, और हम सब सेवा कर रहे हैं ना, शर्म नहीं करनी। ये मत देखो कि आपके अड़ोसी पड़ोसी देख रहे हैं, भाई उनको दिखाना नहीं है, उनको हम सुनाने नहीं आए हैं, इस माँ को सुनाने आए हैं सारे मिलकर के। ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। अब ऐसे पूरे पूरे हाथों को खोल करके और मस्ती में झूमते हुए, रेडी 1 2 3 4 जाए। ओ बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी,
भगतों की, तेरे भगतों की, तेरे भगतों की लगी है करतार भवानी, भगतों की लगी है करतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा तार भवानी। कहते हैं आज की रात जो जागरण में हाथों को खोलता है ये माँ उसका ऐसा हाथ पकड़ लेती है कि जीवन में कभी नहीं छोड़ती। अगर आप लोग भी चाहते हैं माँ आपका हाथ पकड़ ले, लगा के ताली बज क्यों जब हम मंदिर में जाते हैं तो सिर्फ एक ही आवाज आती है, है ना? और जरा प्रेम से बोलो सारे मिलकर के, प्रेम से बोलो सारे बोलो, हो ऊंचा बोलो ओ तुम भी बोलो, आगे वाले ओ पीछे वाले। और दरबार में जब हम सारे भक्त पहुंच जाते हैं तो क्या कहते हैं? सावन महीना मैया झूला झूले, 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 सेवादार आ जाते हैं, माँ सबकी सुनती है, वो ये नहीं देखती कि कौन अमीर है और कौन गरीब है, क्योंकि माँ के बच्चे चाहे कैसे भी हो माँ को हमेशा प्यारे रहते हैं। तो भक्त कह रहे हैं इस माँ से क्या? अमृत की अमृत की अमृत की बरसे बदरिया, अम्मी माँ की विराजमान है। ऐसा शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे माता का नाम ना लिया जा रहा हो, है ना? घर घर में माता रानी विराजमान है। और हम सब कितने किस्मत वाले हैं जो इन दिनों में माँ के जगराते में बैठे हैं, ये सबसे पावन दिन माने जाते हैं। तातुर मोर पपीहा बोले, तातुर मोर पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, पपीहा बोले, तातुर मोर पपीहा बोले, कोके बोले पपी कोके कोली कायलिया अम्बे माँ की दुवरिया, कोके बोले कोलिया अम्बे माँ की दुवरिया, व्रत की बरसे बदरिया अम्बी माँ की दुवरिया, व्रत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया, व्रत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया, व्रत की बरसे बदरिया अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बी माँ की दुवरिया अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया अम्बे माँ की दुवरिया, अम्बे माँ की दुवरिया Let it go.
अभी तक तो हम सब ने झूम करके नाच करके माँ को मनाया, अब मैं ऐसा भजन गाने जा रही हूँ जो भजन अगर जगराते में ना हो तो एक प्रकार से जागरण संपन्न नहीं माना जाता है। और ये एक ऐसा भजन है जो जब माताएं बहनें घर में कीर्तन करती है ना तो इस भजन को भी गाती हैं। इस भजन की एक एक पंक्ति में वो सच्चाई है। कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी बात सच्चे दिल से सुनोगे या कोई भी बात सच्चे दिल से सुनी या गाई जाती है वो हमेशा माता रानी के चरणों में जाती है। बोली दुर्गे मैया की सच्चे दरबारी की। आई भक्त माँ से कह रहे हैं कि माँ आज माँ के बुलावे पर अगर आए हो तो सारे मेरे साथ कहिएगा चलो बुलावा। देखो सबकी नजर प्रसाद पे है ज्यादातर,
मिलेगा, सभी को प्रसाद मिलेगा बारी बारी से, लेकिन एक बार सारे वो जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, वो पीछे वाले आगे वाले जरा तुम भी गा लो, मेरी माँ को मना लो, मेरी माँ भोली है दे झोली, माँ जोड़े दर गई माँ दे दे दर्शन, मुझे माता दे जय माता दे। और पता है भक्त जब माँ के दरबार में आता है, इस माँ से जब भक्त की लौ लग जाती है, इस जोत से लौ लगा के इस माँ को कहता है क्या, मेरी मैया ने, मेरी मैया ने ऐसी सौगात दे दी, मेरी मैया ने ऐसी सौगात दे दी, क्या जागरण के लिए सारी रात दे दी, 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 मेरी मैया ने शिरवाले वाली ने ऐसी सौगात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी, करो जागरण मैया का शेरवाली मैया का। जब भक्त माँ का जगराता करवाता है, माँ को अपने घर पर बुलाता है, तो माँ कभी भी अकेले नहीं आती है, कभी अकेले नहीं आती है, वो पता है किसको लेकर के आती है, कौन से ऐसे देव हैं, मैं बताती हूँ। रात का जो भी जागरण कराए, रात का जो भी जागरण कराए, भगवती मैया घर से आए, भगवती मैया घर से आए, की बजरंगी संग पानी भगतों जागरण के लिए सारी रात होता है, वो दूर दूर अपने बच्चे को अस्पतालों में लेकर के जाती हैं, उनका बेटा ठीक नहीं होता है। एक बात है कि माँ ही माँ का दर्द समझती है, यहाँ बैठी जितनी भी माएँ होंगी ना, उनको पता होगा कि बच्चों को कैसे पाला जाता है, खून पसीना एक करके पिता अपने बच्चों को बढ़ाता है, लिखाता है, और माँ दिन रात एक करके अपने बच्चों को जन्म देती है। तो माँ बाप की तुलना तो इस पूरे संसार में किसी से नहीं हो सकती है। ऐसे ही वो माँ हर जगह अपने बच्चों को लेकर के जाती हैं, लेकिन उनका बेटा ठीक नहीं होता है, तब वो थक हार के इस माँ के दरबार में आती है, और वो उस माँ से कहती है कि माँ अब तू ही मेरा सहारा है, अगर आज मैं तेरे दरबार से खाली हाथ चली गई, मैं तेरे दरबार से अपने बच्चे को ठीक करके नहीं लेकर गई, तो दुनिया वाले यही कहेंगे कि ये तो पत्थर की मूरत है। लेकिन ये भी बात सच है कि भगत के वश में है भगवान। अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है ना,
अटूट विश्वास है तो आपको इस दरबार से जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। तो वो मां क्या कहती है सुनिएगा। मैं भी तो एक मां हूँ आता, मां ही मां को पहचानी। मैं भी तो एक मां हूँ आता, मां ही मां को पहचानी। कोई क्या जाने उसका खून मैं देखूं कैसे, उसका खून मैं देखूं कैसे, जिसको दूध पिलाया है। चलो बुलावा आया है, मदन बुलाया है। ओ, 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 ओ चलो बुलावा आया है, माता ने मिलकर बोलो जय माता दी। वो ताली बजा के मेरी माँ को मना लो, संकट हर देती जय माता दी। गल कर देती जय माता दी। जोड़े दर्पण जय माता दी। माँ दे दर्शन जय माता दी। 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 जय माता के लिए बजाइए जोरदार तालियां और अपने लिए बजाइएगा जोरदार तालियां और इसके उसके पश्चात एक बार जोरदार तालियां अपने अपने मम्मी पापा के लिए क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने अपने माता पिता के आशीर्वाद की वजह से हैं। बोलिए दुर्गी मैया की माँ शेरावाली की कि हमारी बहनों ने एक फरमाइश की थी आज और जिन लोगों ने फरमाइश की थी क्योंकि उसके बाद बड़ी सुंदर सी झांकी एक भजन के बाद भगवान भोलेनाथ और माँ गौरा नंदी पर सवार होकर सभी भक्तों के समक्ष आएंगे दर्शन देने के लिए और ये 100 रुपए की पावन अरदास देवेंद्र पाल धापड़ से, सिया राम जी धापड़ से, शैलेंद्र गिरी सराम सावरे से, सावले से हाँ शैलेंद्र गिरी सत्येंद्र गिरी ओके जी सरा से सरा से जी। देखिए अगर नाम गलत हो रहा है तो दोबारे से पैसे देके ठीक करा रहे। बोलिए सच्चे दरबार की आ जाओ बहनों फटाफट से आ जाओ फटाफट इतना टाइम नहीं लगता है। जो हमारी बहन ने फरमाइश की थी कि अभी सभी को मेरी बहनों को हाजिरी लगानी है। अरे मेरी सखी सहेलियों जल्दी से आ जाओ क्योंकि समय बहुत कम है। बोलिए दुर्गी मैया की मशीरा वाली की और मेरी प्यारी प्यारी बहनों की क्या बात है। जल्दी से आ जाओ इतना टाइम नहीं क्योंकि समय बहुत कम है और मेरी बात बड़ी सुंदर सी झांकी आप सभी भक्तों के समक्ष आएंगे। माँ गौरा भूत पिशाच सभी आपके समक्ष दर्शन देने के लिए आएंगे। आइएगा आइए इतना टाइम नहीं लगता इतने टाइम में तो ट्रेन निकल जाती है। हाँ जी नजर हटी और दुर्घटना फिर भी ऐसा टाइम लगा रहे हो जल्दी से उठ जाए सारे। बोली दुर्गी मैया की मशीरा वाली की
भोले बाके बिहारी लाल की, सच्चे दरबारी की, सावरिया सरकार की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, सच्चे दरबारी की। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। और ये सारी सखी आप ये मत सोचना कि आप अपने घर में हो, आप अपने ग्राम में खड़े हो, आप ये मत सोचेगा। आप ऐसा सोचना कि आप वृंदावन में हाजरी लगा रहे हो और मेरे बाग की बिहारी को मना रहे हो। सारे वो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी 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 बन जाऊंगी। जो भी परिवार के सदस्य अगर हाजिरी लगाना चाहते हैं वो बारी बारी से सारे आ जाओ और झुके। 1, 2, 3, 4 रात शाम सपने में आए खिड़की बोली, खिड़की बोली, खिड़की बोली, रात शाम सपने में आए, काले रंग पे मोरी नीर धन करे, मोटी मोटी नैन
ਨੇਰਾ ਧਾਗੀ ਮੋਟੇ 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 ਨੇਨੇ ਦਾ ਧਾਗੀ ਮੋਟੇ 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 ਨੇਨੇ ਦਾ ਧਾਗੀ ਉੱਚ ਪਈ ਸੁਣ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮੋਰੀ ਨੀ ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮੋਰੀ ਨੀ ਰੁਦਨ ਕਰੇ ਕਰੇ ਰੰਗ ਤੇ ਮੋਰੀ ਨੀ ਰੁਦਨ विजयपाल साहू जी जी, जगह क्या बताई थी आपने? रसूलपुर बेला जी की ओर से 200 रुपए की पावन अरदास माँ भगवती के श्री चरणों में आई है। जिस भी भाव से ये अरदास हमारे भैया जी ने गिराई है, माता रानी इनके अंग संग रहे, इनके सारे भंडारों को रहे, ये दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां करते रहे। आइएगा इस माँ से क्या कह रहे हैं, बोली सच्चे दरबारी की। ये भक्त इस माँ से कह रहे हैं, ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी, काल रात्रि कल्याणी तेरा जोर धरा पर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर, तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं मेरी माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। अच्छा, किस किस को लगता है कि मेरी माँ के बराबर कोई नहीं हो सकता है ना? सभी को लगता है, जो अपनी माँ से प्यार करते हैं, जो मम्मी से सच्चा प्यार करते हैं, वो सारे मेरे साथ करना। सारी मीठी मीठी ताली बजा करके कहिएगा, मैं बालक तू माता शेरवानी, मैं बालक तू माता शेरवानी,
लूटिए माता शेरावाली। मुझे तो विश्वास है कि जितनी बार इस माँ का नाम आपकी जीभ पर आएगा, आपकी जिह्वा पर आएगा, आप यकीन नहीं मानते। एक बार नाम लेकर के देखिएगा, आपके जीवन में जो भी कष्ट है, मुझे ये नहीं पता कौन किस परेशानी में बैठा है, किसको इस दरबार से क्या चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि आपके मन में जो भी मुराद है वो एक बार इस माँ का नाम लेकर के सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से इस माँ का नाम लेकर के अपने मन की बात कहिएगा कि माँ आज मैं तेरी शरण में आ गया हूँ और मेरे दिल की बात सिर्फ तुम्हें पता है, मेरे हाथों की लकीरें जो भी बिगड़ी हैं उन्हें संवार देना। जय शेरों वाली, जय मेहरा वाली, जय मदरों वाली, जय लटा वाली, जय शेरों वाली, जय मेहरों वाली, जय लटा वाली, जय मेहरों वाली, जय शेरों वाली, जय मेहरों वाली, जय लटा वाली, जय शेरों वाली, जय शेरों वाली, जय लटा वाली, जय लटा वाली, जय शेरों वाली। बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए दुर्गे मैया की, बोलिए भक्ति और भगवान की, बोलिए आज के आनंद की, प्यारे प्यारे भक्तों की, माँ शेरावाली की, ज्वाला देवी की, नौ देवियों की, सच्ची सरकार की, सच्चे दरबार की।